मैं करने वाली हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर प्रैंक। तीन बच्चे हैं, उनकी परवरिश में इतनी दिक्कत आ रही है, बिजनेस हमारे ठप पड़े हुए हैं। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ आप सब लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर। और आज मैं करने वाली हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर प्रैंक। और वो प्रैंक क्या रहेगा? वो प्रैंक रहेगा प्रेगनेंसी का। तो मैं आज अपने हस्बैंड को बोलने वाली हूँ कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, और उनका रिएक्शन चेक करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। और उसके लिए मैंने ना कल एक जाके मैं फटाफट से किट भी ले आई थी, और मैं इस किट में लगाऊंगी। अभी तो इसमें एक लाइन है, और इसमें मैं भी कलर मैंने ले लिया है, इससे मैं दो लाइनें कर दूंगी। तो दो लाइनें कर दूंगी और दो लाइनें बना दूंगी, और फिर हम उनको दिखाएंगे और फिर देखेंगे उनका क्या रिएक्शन रहता है, क्या रिएक्ट करते हैं वो इस बात को लेकर। तो चलिए, इसमें पहले से मैं लाइन लगा लेती हूँ। लाइन बनाते हैं और देखते हैं। तो इसमें लाइन मैंने बनाई है, ये लाइनें मैंने दोनों बना ली है। और फटाफट से चलती हूँ अपने हस्बैंड के पास और देखती हूँ उनका रिएक्शन क्या रहता है। सोनी, क्या एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़? क्या हुआ? बोला ही नहीं। ये कब लेके आई? कब चेक किया? कल लाई थी, मेरे को 2-3 दिन से थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा था, डाउट सा हो रहा था, तो लेके तभी ले आई मैं। और चेक किया तो वो भी पॉजिटिव है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये खराब है? दो बार मैंने चेक किया है। क्या करेंगे फिर आगे? ऐसे तो रिश्तेदारी में क्या मुंह दिखाएंगे हम? मुझे कुछ समझ में नहीं ये आ रहा चीजें तो है, ध्यान रखने की होती है ना। मुझे खुद टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों को क्या अरे बोलेंगे। समझ नहीं रही है, पहले तीन बच्चे हैं, उनकी परवरिश में इतनी दिक्कत आ रही है, बिजनेस हमारे ठप पड़े हुए हैं, काम बिल्कुल भी नहीं है, चौथा बेबी को हम कैसे परवरिश करेंगे? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करूंगी, कैसे करूंगी। तो एक काम करते हैं ना, दवाई दूर कुछ डॉक्टर से बात कर लेते हैं। नहीं, इलीगल है, केस हो जाएगा, ये गलत काम करना भी नहीं है हमें। हम ना, कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले को यही मंजूर है तो भाई चौथा भी रखेंगे, फिर करेंगे एक्सेप्ट इसे भी। लेकिन लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए। कर क्या यहाँ सकते हैं यार, से वो तो बड़ी मुश्किल से 3 बच्चे पाल पोस के इतने बड़े किए हैं, अब चौथा बच्चा फिर से वही चीज शुरू हो जाएगी। ये तो पहले ध्यान रखना चाहिए था ना हमें, अब क्या कर सकते हैं, तुम एक्सेप्ट कर लोगे? मजबूरी है ना, क्या करें बता। मजबूरी क्यों होती है? कुछ तो सोल्यूशन होगा ना इसका। सोचते हैं इस बारे में, कुछ देखते हैं क्या हो सकता है। चल टेंशन मत ले, देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, टेंशन टेंशन होगी क्यों? नहीं होगी, तो हो ही रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अब क्या करेंगे। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी? नहीं कोई बात नहीं, तो सोच देख रहा था मैं तो, क्या सोच रहे, बस सोच रहा था कि क्या होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये प्रैंक क्या था। मैं तो प्रैंक कर रही थी तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या रिएक्शन देते हो। डराना डरा ही दिया था तूने तो सच में। क्यों है? तो प्रैंक था एक छोटा सा।